की। पंजाब कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच आज चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। सीएम अमरिंदर सिंह की मुलाकात, सौंपा सोनिया का फरमान। सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा वो मानेंगे आला कमान का हर आदेश। जिसमें उन्होंने कहा था वेदर वो डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी। सिद्धू से विवाद में सीएम अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर जताई थी नाराजगी। आलाकमान पर जबरन दखलंदाजी का लगाया था आरोप। हरीश रावत की चंडीगढ़ में मौजूदगी के बीच पंचकूला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। सुनील जाखड़ से की मुलाकात, मिले गले। आज नवजोत सिंह सिद्धू के बदले तेवर दिखे। आलाकमान के किसी बड़े फैसले के ऐलान से पहले शुरू की पदयात्रा, उत्साह से भरे हुए दिखे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पैदल चलकर मंत्रियों विधायकों से की मुलाकात। जोश देखकर लगा जल्द हाथ आएगी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की बाजी। सिद्धू ने समर्थक विधायक सुखी रंधावा के छुए पैर, लिया आशीर्वाद। मीडिया से बोले रंधावा, आने वाली है अच्छी खबर। समर्थकों के साथ आप देख सकते तमाम उन विधायकों के साथ अपने समर्थकों के साथ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, पैर छुए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता और विधायक राजकुमार बेरका ने पार्टी में सब कुछ सही बताया। कहा पंजाब में कैबिनेट विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो रहा है मंथन, नहीं है कोई भी गुटबाजी। कर्नाटक की सियासत में नया मोड़, दिल्ली आए सीएम येदियुरप्पा। 26 जुलाई के बाद सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे की हैं अटकलें। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अचानक बदला कार्यक्रम। कर्नाटक वापसी से पहले गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम येदियुरप्पा, बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। इस्तीफे के सवाल से येदियुरप्पा का इनकार, कहा ऐसी बातों का आधार नहीं। येदियुरप्पा ने अगस्त में फिर दिल्ली आने की बात कही। पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम, राज्य में विकास कामों को लेकर भी बात। यूपी में मिशन 2022 को गति देने पहुंची प्रियंका गांधी का आज दूसरा दिन। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में पीड़िता अनीता यादव से की मुलाकात। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अनीता से हुई थी बदसलूकी। प्रियंका गांधी देर तक पीड़िता अनीता यादव के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें मदद का भरोसा बधाती रही। प्रियंका ने अनीता के खौफ की वजह से दूसरे के घर में रहने का जिक्र किया। कहा जिस अफसर ने मदद की कोशिश की उसे ही किया गया सस्पेंड। प्रियंका गांधी ने कहा लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार। लखीमपुर खीरी के पसगवा में दोबारा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की मांग की। मैं मांग करती हूं कि यहां का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहां। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल और जहां जहां ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। प्रियंका गांधी आज अमेठी और रायबरेली भी जाएंगी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रियंका पर पलटवार। कहा यूपी में पर्यटक की तरह आती हैं प्रियंका, राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। का काम करें और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है, वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। मौर्य बोले लखीमपुर खीरी कांड में दोषियों पर फौरन एक्शन लिया गया, आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। जिन अफसरों की गलती थी उन पर कार्रवाई हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका की अमेठी रायबरेली दौरे पर कसा तंज। कहा भाई के प्रचार और हार से अमेठी में अपना दमखम देख चुकी हैं प्रियंका, सोचे पूरे राज्य में ये कितना होगा असरदार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी बीजेपी में गुटबाजी को किया खारिज। 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। अगस्त में होगा यूपी में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। सीएम योगी ने दी है जानकारी। कहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जल्द देश विदेश के यात्रियों को मिलेगी सेवा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। यूपी को जल्द मिलेगी एक हाई स्पीड ट्रेन की सौगात। दिल्ली से नोएडा होते हुए लखनऊ और वाराणसी जाएगी हाई स्पीड ट्रेन। ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरू हुई प्रक्रिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज पीएम मोदी से की मुलाकात। 1 घंटे तक हुई बातचीत से सियासी गलियारे में बढ़ी सरगर्मी। सीमा सुरक्षा बल का अलंकरण समारोह आज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा स्थापना के बाद से अब करीब 3.5 करोड़ लोगों का हुआ ये परिवार। अमित शाह ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है आतंकवादियों का नया हथियार। सीमा पर मंडराते ड्रोन संकट और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का किया जिक्र। उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया बढ़ावा। सड़क निर्माण का बजट करीब करीब 2 गुना किया।
सुबह कोलकाता से दिल्ली के लिए निकले राज्यपाल जगदीप धनखड़, कलकत्ता हाईकोर्ट में एनएचआरसी की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दिल्ली का दौरा। पूर्वी मिदनापुर में सीआईडी ने फिर मारा शुभेंदु अधिकारी के घर पर छापा, चार सदस्य टीम ने देर तक की छापेमारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, नई जनसंख्या नियंत्रण नीति से सरकार कर रही है भटकाने की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, वैक्सीन की कमी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर से वडनगर रेलखंड का किया निरीक्षण, लोको पायलट के साथ इंजन में किया सफर, जानी परेशानियां। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस, रिकवरी रेट 97%, 24 घंटे में कोरोना से 560 लोगों की मौत। उत्तराखंड के बाद राजस्थान ने भी कांवड़ यात्रा पर लगाया बैन, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब हुई पाकिस्तान की इमरान सरकार, पाकिस्तानी सांसद मोहसिन डावर ने संसद में खोले आतंकवादी रैली की पोल, अफगानिस्तान में आतंकी भेजने का लगाया आरोप। पेशावर और क्वेटा में खुलेआम हो रही आतंकी संगठन तहरीके तालिबान की रैलियां, पाकिस्तानी सांसद ने मोहसिन डावर ने असेंबली में उठाया ये मुद्दा। हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही है अमारात इस्लामी, तहरीके तालिबान, अफगानिस्तान की पेशावर और क्वेटा में। पाकिस्तानी सांसद ने असेंबली में पाकिस्तानी वायुसेना पर भी खड़े किए सवाल। वो जो इल्जाम लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमें यह मुतनबा किया है कि अगर आप स्पिन बॉल तक के 10 नॉटिकल माइल्स करीब तक पहुंचेंगे तो हम फिर आपको रिपेल करेंगे। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, प्रति लीटर 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 112.41 रुपए। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 107.85 रुपए। मुंबई में डीजल महंगाई के शतक के करीब 97.91 रुपए प्रति लीटर है डीजल के दाम। लखनऊ में शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल का दाम, 1 लीटर पेट्रोल 98.92 रुपए। महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के ओलंपिक टीम में चयन का सोनीपत में मन रहा है जस्ट, माने मजदूरी कर पूरे किए अपने बेटे के सपने। इम्फाल में सुरक्षाकर्मियों ने चार उग्रपंथियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार के सुपौल में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में दुल्हन को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। धार में नगर पालिका में असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के 3 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद, जमीन के मिले कागजात। दिल्ली के वसंत विहार में अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के ऑफिस का शुभारंभ, स्वामी गोपेश्वर देव जी महाराज ने किया उद्घाटन, जन जन तक सनातन धर्म का प्रचार का उद्देश्य। कानपुर में बाजार में दिखे जबरदस्त भीड़, बिना मास्क के लोग घूमते दिखे। उत्तर 24 परगना के बाजार में आग, 3 दुकानें जलकर खाक। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जानलेवा जहरीली शराब का कहर, 16 लोगों की मौत। पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में, विधायकों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। विशाखापट्टनम में घरेलू झगड़े में मां ने 3 बच्चों को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या। कोरोना संकट में बंद शबरीमला मंदिर आज से 5 दिनों के लिए खुलेगा, कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्त कर पाएंगे दर्शन। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका में एएमयू की तैयार किए जा रहे हैं पीडियाट्रिक वार्ड। नागौर में मुरुखराम अजीबोगरीब बीमारी से हैं ग्रस्त, साल में 300 दिन सोने में बीतता है वक्त। रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 72 हुई, 3 शावकों के साथ दिखे बाघ। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा तस्करी का सोना, 17,40,000 से ज्यादा आंकी गई है कीमत। बिलासपुर के एक गांव में 7 साल के बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार, 2 घंटे में पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 नाबालिग फरार। अररिया में टीचर ने मिड डे मील के बहाने बुलाकर नाबालिग छात्रा से की हैवानियत, रेप का आरोपी गिरफ्तार। एमपी के राजगढ़ में प्रताड़ना और मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने ली पति की जान, फावड़े मारकर हत्या की। पलवल में घरेलू विवाद के चलते पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या, खुद को भी किया जख्मी। हरदोई में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी के साथ मारपीट, लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंका, इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में 55 साल के किसान की गला रेतकर हत्या, बेटे ने बुलाया था घर के बाहर, पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। मध्य प्रदेश के नीमच में एक घोरी के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल, गाली गलौच और मारपीट करते रहे युवक, तमाशा देखते नजर आई थी। यूपी के महाराजगंज में बाइक की रिपेयरिंग के बाद पैसा मांगने पर एजेंसी मालिक से 4 लोगों से मारपीट, 7 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली।
झांसी में युवक को कुछ लोगों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पुणे में गैंग वॉर में एक बदमाश की मौत, कुख्यात बदमाश गणेश त्रासकर को कुछ लोगों ने गोलियों से भुना। मुजफ्फरनगर में मोबाइल ठीक कराने आए युवक को दुकानदार ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, केस दर्ज होने के बाद दुकानदार गिरफ्तार। दिल्ली में एनकाउंटर में शार्प शूटर गौरव मोंटी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, गैंगस्टर धर्मेंद्र प्रधान के लिए काम करता है गौरव। पुणे में डीआरजीओ ने 4.25 करोड़ का गांजा पकड़ा, अनानास और कटहल के बीच ट्रक में की जा रही थी तस्करी, 6 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में प्रयागराज एक्सप्रेस से आरपीएफ ने चोरी के माल के साथ 3 लोगों को पकड़ा, 7 लाख के गहने और नकदी बरामद। दरभंगा में घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद में आधा दर्जन से ज्यादा थाना क्षेत्रों में छापेमारी, हवाले के जरिए ब्लैक मनी के लेन देन की खबर पर खंगाले जा रहे हैं कारोबारियों के दस्तावेज। दरभंगा में शराब माफिया द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में छापेमारी, अब तक 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। देवरिया के ताल में नौका विहार के दौरान नाव पलटी, 3 लड़कियों की डूबने से मौत, 1 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में अचानक धू धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर, 1 मकान और दुकान तक भी पहुंची लपटे, बिजली विभाग और दमकल ने नहीं ली सुध, ग्रामीणों ने खुद बुझाई आग। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 और हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुंबई में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में जलभराव से पानी पानी हुई मायानगरी। भारी बारिश ने रुकी मुंबई की रफ्तार, रेलवे ट्रैक पर पानी जमने से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पुणे से भेजी गई एनडीआरएफ की 3 टीम। भारी बारिश की वजह से मंगलुरु जंक्शन के पास मिट्टी दरकने से ट्रेन सेवा प्रभावित, पटरियां साफ करने का काम जारी। फरीदाबाद में अचानक यमुना का बहाव तेज होने से फंसा कैंटर, तैराकों की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को बचाया। बेंगलुरु में भारी बारिश के साइड इफेक्ट, तेजी से बढ़ रहा है नेत्रवती नदी का जलस्तर। चेन्नई में जोरदार बारिश, सड़क पर बरसात में टहलते नजर आए लोग। दरभंगा में बागमती नदी का कहर जारी, सैलाब में डूबा बच्चों का स्कूल, हर साल ऐसे ही जलमग्न होती है इमारत। राजस्थान के चूरू में लगातार 2 दिनों से बरसात, घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ हाईवे ठप, लोगों की बड़ी मुश्किल। अमेरिकी दौरे पर पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सेना का रॉकेट से हमला, 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। क्यूबा में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को मशहूर रैपर पिटबुल का समर्थन, इंटरनेट पर जारी किया 2 मिनट का वीडियो संदेश। हैती की राष्ट्रपति की हत्या में पीएम के हाथ होने से पुलिस प्रमुख का इनकार, जल्द मास्टरमाइंड तक पहुंच जाने का किया दावा। अस्पताल में भर्ती ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हालत में सुधार, बड़ी तादाद में जुटे समर्थक।